नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। ये अभियान जुलाई से लेकर अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम में व्यापक स्तर पर राजस्व से जुड़े कामों को संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर विभिन्न कामों को तत्काल प्रभाव से पूरा करने का दावा है, जिसमें भू अभिलेखों का शुद्धिकरण, लंबित राजस्व मामलों का निपटान और डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम किसान योजना का लाभ, फॉर्मर आईडीबी शामिल है। लेकिन विपक्ष के इस पर अपने तर्क हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोहन सरकार राजस्व संबंधित मामलों को जो अभी न्यायालय में ऑफलाइन चल रहे हैं, उन्हें रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज कराएगी। इससे इस प्रक्रिया में सुधार और सैकड़ों लोगों को फायदा मिलने का दावा है। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारे के आदेशों को भी 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। 30 जून तक की लिमिट पार कर चुके मामलों को चिन्हित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। इस महाभियान में लंबे समय से चले आ रहे नामांतरण के मामलों को फिर हल किया जाएगा। नॉमिनी ट्रांसफर के मामलों को भी दर्ज कर उनका निराकरण किया जाएगा। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है, उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले। इस महाअभियान में नागरिकों को समग्र वेब पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार ई केवाईसी कराने की सुविधा फ्री रहेगी। राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, संपत्ति बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के लंबित प्रकरणों को 30 जून 2024 तक निराकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विपक्ष के इस महाअभियान पर अपने तर्क हैं कि ये राजस्व के मामले कैसे सुलझाएंगे, इनके पास तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, आरआई नहीं है, पटवारियों की कितनी कमी है, 10-10 हलकों का एक एक पटवारी इंचार्ज है, आरआई तहसीलदार के पद पर बैठा हुआ है, मध्य प्रदेश में 735 डिप्टी कलेक्टर है, जिसमें से 400 भोपाल में पदस्थ है, एक एक डिप्टी कलेक्टर 3-3 ब्लॉक के एसडीएम का चार्ज लिए हुए है। किसी भी नीति या कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जो बुनियादी ढांचा है, वही जब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो यह कार्यक्रम कैसे सफल होगा। बहरहाल देखना होगा कि यह महाअभियान धरातल पर कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। महाअभियान कितना समाधान, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, अब क्या यह माना जाए कि जो इतने लंबित प्रकरण है, लगातार परेशानियां आम जनता को भी हो रही थी, और ये जो अवधि निर्धारित की गई है, इसमें बहुत हद तक इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जैसा कि दावा है? सबसे पहले तो अमित जी, आपको नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता और जो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, भूपेन जी, आपको भी नमस्कार, और साथ ही आपके श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिये, ये एक बहुत संवेदनशील सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव निरंतर कोई ना कोई रोज एक नवाचार करते हैं, और ये नवाचार लोक कल्याण के लिए है, अपनी जनता के कल्याण के लिए है, उनके हित के लिए है। तो निश्चित रूप से
जो ई केवाईसी या नामांकन, बहुत सारे दूसरे भी राजस्व से संबंधित जो मामले थे जो बहुत दिनों से अटके हुए थे उनको सुलझाने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं नाम नहीं चढ़ा हुआ तो किसी को कुछ लाभ जो मिलना चाहिए, जैसे किसानों को मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा है, तो ये जो पूरा अभियान है जो 31 अगस्त तक चलेगा ये सब इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। और निश्चित रूप से एक सकारात्मक दृष्टि है मोहन जी की, जिसके कारण वो ये सब अभियानों को तत्परता से क्रियान्वयन कर रहे हैं और लोगों तक इनका लाभ पहुंचा रहे हैं। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और हमें निश्चित होना चाहिए कि इसके भी सुखद परिणाम हमें देखने मिलेंगे। बिल्कुल, तो सकारात्मक पहल है, लेकिन प्रमोद जी विपक्ष को क्यों ऐसा लग रहा है कि अधूरी तैयारी के साथ इस अभियान को लॉन्च कर दिया गया और भ्रष्टाचार क्यों होगा इस पर, ये सवाल है आपका। सवाल इसलिए है कि ग्राम पंचायत अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं है और इसमें पंचायत को अधिकार होता है कि वो अविभाजित नामांतरण को पंचायत में ही कर दे। जी। तो आपने ग्राम पंचायत क्यों नहीं स्थापित की, ग्राम पंचायतों को सचिव के नहीं स्थापित किए? अगर आप ये काम कर देते, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में न्याय दिया है कि देश में ग्राम न्यायालय की स्थापना होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार पंचायत अधिनियम इसलिए लेके आई थी कि ग्राम पंचायतों को यह अधिकार हो कि वह अविवादित नामांतरण पंचायत की पंचायत में ही कर दें। घर बैठे आम आदमी की सुनवाई होती, पंचायत में वो जाता और उसका अविवादित नामांतरण हो जाता। विगत 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, शिवराज जी ने भी बहुत सारे प्रयास किए। फिर ऐसे कौन से कारण है कि आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास सराहनीय प्रयास है, मतलब शिवराज जी की सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? तो वो भी सरकार आपकी थी, हजारों नहीं लाखों नामांतरण। मैं आऊंगा आपसे जवाब लेने मैम। जी जी प्रमोद जी, बीच में ना आए मैडम। जी प्रमोद जी, आपकी बात जारी रखें। जी, हजारों नहीं लाखों नामांतरण के प्रकरण लंबित हैं। दूसरे, राजस्व के मामले में सबसे अहम भूमिका होती है तहसीलदार की। जी। और तहसीलदार का काम अगर हम ये कहें कि पटवारी नामांतरण कर रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नामांतरण करने का अधिकार पटवारी को नहीं होता है, पटवारी केवल अमल दर्ज करता है, तहसीलदार के आदेश का पालन करता है। जिस सरकार को यही पता नहीं है कि नामांतरण का काम पटवारी नहीं तहसीलदार करता, और तहसीलदार एक न्यायालय होता है, न्यायालय में जो भी आवेदन प्रस्तुत होता है, अविवादित अगर नामांतरण है तो 15 दिन का सूचना पत्र होता है, 1 महीने के अंदर आपको नामांतरण करके देना होता है, अगर विवादित नामांतरण है तो उसको के लिए समयावधि बंधित है। अन्य प्रकरणों में भी इसी प्रकार से है। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर में सरकार आपकी ही है तो इतने सालों से अविवादित नामांतरण या विवादित नामांतरण पेंडिंग क्यों रहे? और अब जब आप कह रहे हैं कि बंटवारा, बंटवारे में दोनों पक्षों को आना पड़ता है और एक सरलीकरण ये प्रक्रिया होती है कि दोनों पक्ष आकर के अपने अपने पक्ष को रखें और उसको तहसीलदार। चलिए, तो विपक्ष के काफी सवाल हैं, इसका जवाब जरूर हम सत्ता पक्ष से लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, वर्तमान में जो हमारी प्रशासनिक क्षमता है, क्या वो इस अवधि के लिए आप पर्याप्त मानते हैं और क्या चुनौतियां इस अभियान में हो सकती हैं? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि पर जानना पड़ेगा। जी, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, कांग्रेस की सरकार में आया और कंप्यूटर से लेखा और जितने भी राजस्व के जितने भी थे वो कंप्यूटराइज होने लगे, तो उसके बाद ये रेवेन्यू में नामांकन पटांकन और जब बंटवारा होता है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो। जी जी भूपेंद्र जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, पारिवारिक बटांकन होता है, कुछ विवादित चीज होती है, तो उसका हमने जो एडेप्ट किया है भू राजस्व संहिता में, वो पॉलिसी ये की गई है कि ये पटवारी होगा, उसके ऊपर आरआई होगा, नायब तहसीलदार होगा और तहसीलदार होगा और फिर एसडीएम होगा और उसके बाद कलेक्टर और कमिश्नरी, जिस तरह से स्टेज है, ये निश्चित रूप से हर सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जो कृषि भूमि है और उनका जो पटांकन होता है, उनका जो नामांतरण होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी देखा है, जब दिग्विजय सिंह रहे तो उन्होंने भी सिविल लगाए हैं,
इसके बाद बीजेपी सरकार आई, शिवराज जी ने भी शिविर लगाए हैं और अभी वर्तमान सरकार भी लगा रही है, इसमें पूरा अमला लगता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक पटवारी के पास कम से कम 15 से 20 पटवारी हल्का है और इसी तरह से नायब की अधिकारियों की कमी है, ये बिल्कुल सत्य बात है। कभी कभी ये भी है कि ये समय सीमा में तय नहीं होते, एक शिविर लगाने के तहत होते हैं जिसमें निवास जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है। लेकिन सुधरता इस चीज में आएगी जब इन चीजों में करप्शन कम होगा। रेवेन्यू हर क्षेत्र में अगर करप्शन में है तो तीसरे या चौथे स्थान में माना जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी काम बिना पैसे के तहत नहीं होता है, ये सरकार में संज्ञान में होता है। और कई चीजें ऐसी भी हो जाती हैं रेवेन्यू में जो कि अप्रत्याशित होती है, जिसका कोई दावेदार नहीं है उसके नाम पे चढ़ा देते हैं, कई जगह विवाद बनाते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जिसके तहत व्यक्ति को परेशान कर सके और उसके तहत उनकी उगाही हो सके। ये सिस्टम सरकार के और अधिकारियों को सारे लोगों को पता है। आप अगर देखें यहाँ पे अगर करप्शन के चार्ज तो लगभग 90% ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त अगर टेप करती है तो इन्हीं अधिकारियों को करती है, जिसमें पटवारी सबसे ज्यादा शामिल होते हैं, रेवेन्यू के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम बना है और इस सरकार में कोई सिस्टम इसको तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात, आमद की बात कही जिन्हें कांग्रेस के व्यक्ति कह रहे थे कि उसको आमद के पटवारी को होता है और तहसीलदार नायब तहसीलदार के, बिल्कुल टेक्निकल बात यही है। लेकिन आजकल जो डिजिटाइजेशन हो रहा है और जो फॉर्मेट के द्वारा हो रहा है, बिना पटवारी के कुछ नहीं होता, क्योंकि नायब तहसीलदार और तहसीलदार इतना बड़ा हल्का है, कोई जाना नहीं चाहता, कोई देखते नहीं है और ना ही वो ही देखते हैं। इसी कारण ये चीजें आती हैं कि डिजिटल सिग्नेचर उनके अप्रूव्ड है। और हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि ये सब चीजें वहाँ के जो क्लर्क और बाबू होते हैं वो तक उसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके पास पासवर्ड और आईडी है आजकल डिजिटल सिस्टम में। तो सरकार जागरूकता लाने के लिए, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के शिविर लगाती है और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस के समय से और अभी शिवराज जी की सरकार और मनोज, इससे लोकप्रियता मिलती है, नीचे बॉडी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को काम मिलता है, संगठन के लोगों को काम मिलता है और उसमें जो संगठन के लोग होते हैं उनके लोगों के काम भी हो जाते हैं, ये भी इससे संदेश भी जाता है। लेकिन ये कहें कि ये पूरी प्रमाणिकता और उसके तहत हो जाता है, क्योंकि कई केस बिल्कुल लीगल रूप से होते हैं जिनमें अपील ही होती है और जिनमें समझौता नहीं हो सकता तो उनका निराकरण बिल्कुल, तो काफी चुनौतियां भी हम कह सकते हैं कि इस पूरे अभियान में देखने को मिल सकती है। लेकिन डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, जैसे कि डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी ने भी कहा कि करप्शन भी एक बहुत अहम मसला यहाँ पर है, उससे कैसे निपटेगी सरकार, और दूसरा विपक्ष का कहना है कि पूर्व सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की जो अब ये सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। अगर हम कहें कि डॉक्टर मोहन यादव को जो धरोहर में मिला है वो उसको आगे और सुदृढ़ तरीके से नियोजित कर रहे हैं तो ये सही होगा, परंतु एक उठपटांग और बेतुका बयान दे और हम सिर्फ टीवी पे कुछ बोलने के लिए बोलते हैं कि उन्होंने नहीं किया और इसलिए अब बोल रहे हैं, ये मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। और अब मैं देखिए, ट्रांसपेरेंसी लाने की हर सरकार की पहल होती है, कोशिश होती है कि पहले से और अधिक ट्रांसपेरेंट हो हमारी प्रक्रिया और अधिक सुविधा पूर्वक हो कार्य। अब जैसे कि हम आज के दौर में डिजिटलाइजेशन के दौर में हैं, तो हमने ये भी देखा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, तो उससे क्या हुआ है, बेनिफिशियरी को अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा मिलता है। पहले जैसे नहीं है कि 25 साल पहले एक रुपए भेजते थे और 25 पैसा आता था, ये तो कांग्रेस के ही राजीव गांधी के शब्द हैं और उन्होंने खुले मंच से ये स्वीकारा था। तो आज भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो भी इनके मुख्यमंत्री हैं, वो सबका प्रयास एक ही है कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मुहैया कराई जाए जिससे कि जनमानस को एक सुविधा हो, एक कॉन्फिडेंस हो, उनकी तकलीफें दूर हो और लिखा पढ़ती जैसे बहुत जरूरी अहम जो प्रक्रिया है, अपने खुद के प्रॉपर्टी के दस्तावेज हो, चाहे किसान निधि संबंधी हो या किसी भी राजस्व के प्रकरण के लिए हो, ये बहुत पारदर्शिता के साथ हो।
ठीक है, पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा ये कहना है डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी का। लेकिन प्रमोद जी क्या मानते हैं, करप्शन का लेवल क्या कम होगा? जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं और क्या तकनीकी बाधाएं अब इसमें आ सकती हैं? जिन्हें विषय का ज्ञान ही नहीं है, मैं उनसे क्या, उनको क्या जवाब दूं? राजस्व न्यायालय क्या होता है? राजस्व न्यायालय एक प्रकार का न्यायालय होता है और उसमें जो भी प्रकरण आते हैं वो प्रकरण इस प्रकार से सरल तरीके से निभाए जाए, इसीलिए ग्राम पंचायत अधिनियम लाया गया था। ग्राम पंचायत अधिनियम कौन लाया था? राजीव गांधी जी लाए थे, विजय सिंह की सरकार में लागू किया गया था। अगर आप में दम होता, आपकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती, सरपंचों के हाथ मजबूत करती, पंच परमेश्वर होता यह मानती, तो पंचायत अधिनियम लागू किया जाता। तो पंचायत अधिनियम लागू हो जाता तो गांव के गांव में न्यायालय इस प्रकार से हिंसा पूछ जाता और इस प्रकार के प्रकरण राजस्व न्यायालय में बढ़ते नहीं। लेकिन आपकी सरकार ने ये करा नहीं। अब आप कहते हैं कि विपक्ष, अरे पहले भाई नियम कायदे कानून तो समझ लीजिए। और जहां तक पारदर्शिता की बात कर रही है, आपको शायद जानकारी नहीं है कि कंप्यूटराइजेशन कांग्रेस की सरकार लेके आई थी और संसद समिति के जो चेयरपर्सन थे सुमित्रा महाजन जी को बनाया गया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार लेके आई थी। और ये जो नामांतरण हुए भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत दिया जाता है। अगर इसमें विवादित मामला है तो अपर एसडीएम क्या जाएगा, उससे ऊपर जाएगा। ये क्या आज की आज सरकार ने स्थापित कर दिया? क्या ये फैसले पूरे के पूरे हो जाएंगे? शायद इन्हें नहीं पता। इनको तो ये भी नहीं पता कि खतरे के नीचे जो सरकार खतरा देती है उसके नीचे लिखा होता है कि इसे लेकिन, लेकिन प्रमोद जी ये अभियान किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ हद तक समाधान आप देखते हैं कि जनता की समस्याओं का हो पाएगा? जनता का मामला ही नहीं है ये, तो सीधे सीधे दो पक्षों का मामला है। जो पक्ष जिसने रजिस्ट्री कर दिया, दोनों पक्ष जो है, क्या उनके लिए एक स्थायी समाधान ये हो पाएगा ये अभियान? आपने साइबर तहसील को स्थापित की, साइबर तहसील का मतलब है कि रजिस्ट्री होते से ही आपके पास नामांतरण आ जाएगा। उसके क्या परिणाम निकले? कितनी जगह आपने साइबर तहसील को स्थापना करी, ये स्थापना भी तो कांग्रेस की देन थी सन 2018। चलिए अपनी उपलब्धियों को ही लगातार कांग्रेस बता रही, लेकिन डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी सवाल वहीं पर इनका है कि आपने पहले भी बहुत सारी चीजें की है, नतीजा शून्य था, तो इस अभियान की गति पर किस तरह से विश्वास किया जाए? जी महान विद्वान नहीं हूं, पर इतना मैं जरूर जानती हूं कि कांग्रेस के जो विद्वान लोग थे जिनका नाम इन्होंने अभी लिया, जैसे कि मनमोहन सिंह और इत्यादि इत्यादि, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए, उसको एकदम निचले स्तर तक जहां तक लेके जा सकते थे वहां तक लेके जाने के लिए। और ये तो राजीव गांधी ने खुद स्वीकारा था कि तब इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार थी कि 1 रुपया में से 75 पैसे खा जाते थे उनके लोग। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा सरकारों की पहल को क्यों नहीं हजम कर सकती, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, ये सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हैं इस चीज को, और ये लोग नहीं स्वीकार पाएंगे कि हम एक पारदर्शक, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट माहौल लाने का राजनीति में प्रयास कर रहे हैं। ये इनको हजम नहीं होता, परंतु जनता स्वीकार चुकी है भाजपा के पहल। भाजपा को उन्होंने इसलिए अभी मध्य प्रदेश में इतनी अच्छे परिणाम दिए हैं और आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार इन परिणामों के अनुकूल ही कार्य करके दिखाएगी। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, सत्ता पक्ष को तो पूरा एतबार है कि ये जो पहल है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन क्या इस पहल को एक स्थायी समाधान के तौर पर हम देख सकते हैं या फिर महज एक औपचारिकता का स्थायी समाधान आप इसे मानते रहे? नहीं, स्थायी समाधान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उस समाधान की प्रक्रिया में बढ़ते हुए चरण है जी। और इससे क्या होता है, बहुत से फायदे मिलते हैं। इससे क्या होता है कि एक अवेयरनेस भी आती है व्यक्ति के अंदर, संगठनात्मक लोग जुड़ के अपना काम कराते हैं जो सत्ता से जुड़े होते हैं, और उनके द्वारा एक संगठन को एक ऊर्जा मिलती है और संगठन के लोग बाग अपने मिलके उनके काम कराते हैं, जिससे उसका चुनाव में फायदा मिलता है और एक संगठन मजबूत भी होता है। और इससे और जो कार्यपालिका है जो और उसके बीच में राजनीतिक लोगों के बीच में एक समन्वय का भी काम करता है, क्योंकि ये आदेश ऊपर से आते हैं जिसके कारण उनको पालन करना पड़ता है, उसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर करते हैं और जिसके कारण वो एक नियत समय में, तो जिससे कारण ये राजनीतिक फायदा भी मिलता है और लोगों के काम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% इसकी सफलता है, लेकिन हाँ
इससे एक अवेयरनेस आता है और ये सतत शिविर चलने ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आज लगाएं, मेरा तो ये मानना है ये शिविर लगें जिससे लोगों में और जागरूकता आए और जिसके तहत, लेकिन नए जो कानून में संशोधन हुआ है जिससे एक तहसील के जैसे ही रजिस्ट्री होती है उसके तुरंत ही वो उसके नामांतरण हो जाता है और ये भी बड़े सुधार भी हुए हैं कानून में। ऐसा नहीं है कि हम ये नकार दें कि पूर्व सरकारों ने सुधार नहीं किया और वर्तमान में, और दूसरी बात करप्शन में भी लगाम लगी है और जागरूकता आई है लोगों में, लगाम ना लगी हो लेकिन लोगों में ये उजागर हुए हैं लोग, क्योंकि जिनका काम नहीं होता है वो लोग एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाते हैं, उस तरह से आए दिन पेपरों में पढ़ते भी हैं हम लोग कि फलाना अधिकारी ये पाया गया और वो नामांतरण इसके तहत, तो ये इससे फायदे तो होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अगर फायदा कहा जाए तो ये जनता के रूप में एक संगठनात्मक कार्य भी होता है और एक समन्वय की, क्योंकि अगर कार्यपालिका के बीच में अगर समन्वय नहीं होगा राजनेताओं लोगों का तो निश्चित रूप से कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पंचायती चुनाव जिससे ग्राम पंचायतों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं लेकिन कोई अधिकारों में ग्राम पंचायत भी उस तरह से प्रेरित हो जाती है, तो निश्चित रूप से डायल्यूट तो होने चाहिए पावर, लेकिन जब तक लोकतंत्र में उनमें सुधरता और ज्ञानवर्धक ना आ जाए, उनके अंदर वो ज्ञानबोधक ना आ जाए, जब तक वो पावर को भी डायल्यूट करना और उनको संभालना भी एक कठिन चुनौती भी है मैं बताऊं, क्योंकि पट्टे के जिस तरह से कानून लागू हुए उससे बहुत से ऐसे गांवों में जिस तरह से रेवेन्यू की तरह ग्राम पंचायतों ने पट्टे बांटे जिससे बहुत से विवाद हुए और बहुत सी चीजें हमें वो इस तरह से बिल्कुल विपक्ष भी यही ग्राम पंचायतों की ही बात कह रहा है और फिलहाल देखना होगा चुनौतियां कई हैं इससे पार कैसे पा सकते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।